2024 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हो, तो 23 नवंबर से आपका सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है जो 27 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 23 नवंबर का फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का पेपर होगा और सेकेंड सिटिंग में आपका संस्कृत का पेपर होगा। अगर आप उर्दू लिए हो तो फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का पेपर और सेकेंड सिटिंग में आपका उर्दू का पेपर होगा। 24 नवंबर का फर्स्ट सिटिंग में आपका साइंस और सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस होगा। 25 नवंबर का फर्स्ट सिटिंग में मैथ और सेकेंड सिटिंग में आपका इंग्लिश का पेपर होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा क्या एग्जाम देना जरूरी है, तो हाँ एग्जाम देना 100% जरूरी है। आप एग्जाम नहीं दोगे तो आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, यदि आप सेंटअप एग्जाम नहीं दोगे तो फाइनल नहीं दे पाओगे। ठीक, अगर आप इसमें फेल मार देते हो तब भी आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप इस रूटीन को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मैं पहले देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और ये एग्जाम आपके स्कूल में ही होंगे, आपके टीचर की निगरानी में। ठीक है, अब बात ये रही कि क्या इस एग्जाम के लिए कोई फी लगेगा, इस एग्जाम के लिए बिल्कुल फी नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसा क्वेश्चन इसमें आएगा वैसा ही फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो आपके जितने भी नमूने दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कर दो ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में 100% लड़ते हैं।